है कि कोई एक शक्ति जो अभी सभी को ड्राइव कर रही है कोरोना काल में, दैट इज आध्यात्मिक शक्ति। और ऐसे कई भजन होते हैं जिनको सुन के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं हम, मन प्रफुल्लित हो जाता है, उनको गाने वाले ने भी बड़ी खूबसूरती से उन्हें गाया होता है। और ऐसे ही एक भजन गायक और कमाल के फनकार हमारे साथ हैं, मयूर जैन जी। सर, आपका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। और क्योंकि ये काल हम देख रहे हैं जहाँ पे इंसान हर जगह से कह सकते हैं मानसिक तौर पे विचलित हो रहा है, और इन सब के बीच में भजनों का एक अपना बहुत महत्व होता है, क्योंकि भजन हम बचपन से सुनते आए हैं और भजन से जो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो बहुत कमाल की होती है। तो आपका भजन से सर ये जो जुड़ाव है, ये कितने साल पुराना है और शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? वैसे तो पहले तो सभी को प्रणाम करना चाहूँगा मैं जी। और वैसे तो बचपन से ही एक धुन लगी थी कि भजन सुनता था तो बड़ा अच्छा लगता था जी। और जैन, वैसे मैं जैन हूँ, तो मंदिरों में जब कार्यक्रम होते थे तो सुना करता था जी। तो फिर धीरे धीरे उन्हें गाना गाने की कोशिश करी जी। और फिर उसे वो प्रोफेशनल होते गया। और आज पूरी दुनिया यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। क्या बात है, ऐसे लगाव होते गया जी। काफी आपके वीडियोस से वायरल होते हैं, लोग उन पे काफी बहुत पसंद करते हैं उन वीडियोस को। उन पे जैसे आपने कहा कि लोग अलग अलग तरह के उन पे वीडियोस भी बनाते हैं, तो ये सर जब आप ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं और लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, कितना मन खुश होता है आपका? क्योंकि एक मेहनत को अगर कोई सराहे तो उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि लोगों का ही प्यार होता है। एक्चुअली मैंने जितने भी भजन अभी तक गाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वो सब मेरे ही लिखे हुए हैं, मैं ही लिखता हूँ उन्हें। तो जब लोगों को प्यार मिलता है ना, तो और हमें लिखने की और हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हम उन्हें और अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ये सब लोगों का ही प्यार होता है जी। बाकी सर, एक भजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें आपने कहा लिखने से लेकर म्यूजिक कंपोज से लेकर सिंगिंग तक की, और फिर उसे लोगों तक पहुंचाने की, कौन सी प्रक्रिया आपको लगता है कि काफी मेहनत कश होती है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? देखिए, मेहनत तो इसमें बहुत लगती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भजन लिखने में 10 मिनट भी लगते हैं, कुछ भजन लिखने में 10-12 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात, मैं भजन लिखने के लिए तो एक ही बात कहूंगा कि जब हम कुछ भी चीज लिखते हैं ना, तो उन्हें अपने आप को उस चीज में उतारना होता है, वो फील अपने आप को करना होता है, तो फिर हम उसे लिख पाते हैं अच्छा, उसे गा पाते हैं। सब फीलिंग पे डिपेंड होता है। जब आप उस चीज, अपने आप को उस चीज में डाल देते हैं जी, तो अच्छा लिख पाते हैं। क्या बात है, वही तो एक की है। अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं तो ही आप उसे लिख भी सकते हैं। सर, कितने साल के होंगे आप? जैसे आपने कहा आप जैन है, तो काफी मंदिर जाना होता था, भजन कीर्तन में आपका एक पार्टिसिपेशन होता था, पर सिंगर बनना, प्रोफेशनली उसे भजन गायक के तौर पे लेना, ये एक अलग बात होती है। एक बच्चा गा रहा है वो अलग होता है, पर एक प्रोफेशनल गा रहा है वो अलग होता है। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया कि धीरे धीरे भजनों से मंदिर में गाते गाते फिर एक प्रोफेशनल सिंगिंग स्टार्ट कर दी, ये कब हुआ आपके साथ? ये तो पिछले कुछ 4-5 साल हुए हैं जब मैं प्रोफेशनल इस लाइन में आया जी। मैंने इस चीज को अपना प्रोफेशन बनाया जी। गाता तो बचपन से हूँ। जब 2016 में संलेखना करके आपने अगर सुना हो, वो सोशल मीडिया पे चला था कि जो संलेखना हम जैन लोगों में होती है, उसे सरकार ने आत्महत्या घोषित कर दिया था, जो हमारे जैन संत संलेखना लेते हैं। तब मैंने एक गीत लिखा था और वो गीत इतना वायरल हुआ, हर साधु संत का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। उसके बाद मन में एक अलग ही चीज आ गई कि नहीं, अब तो जो करना है धर्म के लिए ही करना है। तो जब से मेरा जो गाना शुरू हुआ, वो आज तक लोग उसे सुन रहे हैं और मैं भी गा रहा हूँ जी। क्या कमाल की बात कही है आपने। तो ये जो जैन भजन आप गाते हैं, इसके अलावा भी कोई भजन सर आप गाते हैं? जी बिल्कुल, वो भी पिछले मैंने 1-1.5 साल से शुरू करा है। वो लाइव मंचों पर तो नहीं गाता हूँ, बट उसे रिकॉर्ड करने का प्रयास करता हूँ, उसे रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों के बीच लाते हैं। क्या बात है? मेरे गुरु जी हैं जयपुर से, पंडित सुरेश शर्मा जी जी, उनके आशीर्वाद से मैंने पिछले 1-1.5 साल से गाना शुरू करा और हर समाज हिंदुत्व के भजन गा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब।
बहुत खूबसूरत। तो सर शुरुआत ही हम किसी अच्छे भजन से कर लेते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी भजन की बातें बता दी हैं, आपने अपना भी एक हिस्ट्री बताई है कि आपका भजनों से कैसा कनेक्शन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप कुछ सुना सके हमें अभी। सर प्रथम हम जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तब नमोकार महामंत्र एक वातावरण शुद्ध करने के लिए उसे चार लेना आपको सुनाता हूँ, फिर कुछ नहीं रचना सुनाऊंगा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, क्या बात है। हम मंगलाचरण के तौर पे एक गीत गाते हैं जी। So, आपने अभी नवकार मंत्र सुनाया और इसमें बहुत शक्ति होती है, और फिर आपने गुरु को भी अपने गुरु ब्रह्मा कह के आपने और इसको आपने सुनाया हमें, बहुत खूबसूरत। तो ये जो आप सर जब भजन गाते हैं तो उस समय आपके अंतर्मन का क्या विचार होता है, क्योंकि मुझे लगता है जब आप भजन गाते हैं आपने जैसे कहा जब तक आप उसे महसूस नहीं कर सकते, जब तक आप खुद भगवान के समीप खुद को नहीं पाते हैं, जब तक आप खुद उस चीज को महसूस नहीं कर सकते आप शायद उतना डूब के भजन नहीं गा पाएंगे और सिर्फ सतह ऊपरी तौर पर गाएंगे। तो आप क्या महसूस करते हैं उस समय, क्या चल रहा होता है दिमाग में, क्योंकि आप बड़े बड़े फंक्शंस भी करते हैं, आपके खुद के रिकॉर्ड्स भी आते हैं और आपकी खुद की म्यूजिक भी आता है, तो वो कैसे कैसे आप उस पूरे प्रोसेस को फील करते हैं? जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमें ही अपने आप को चीजें उतारना होता है, तो जैसे मैं तो मेरी आदत है मैं जब नमोकार मंत्र गाता हूँ शुरुआत करता हूँ तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और फिर मुझे ये महसूस नहीं होता कि पब्लिक कितनी है, मुझे ये लगता है कि भाई भगवान सामने और मैं हूँ भगवान हूँ, तो भजन की शुरुआत करते हैं तो भगवान को ही अपने आप में उतार लेते हैं और भगवान में हम उतर जाते हैं। कैसा रिस्पांस मिला है सर आपको, परिवार का, फ्रेंड्स का, सभी का कैसा रिस्पांस मिला शुरू से ही? सब शुरुआत से सबका बहुत प्यार मिला है, परिवार का सबसे बड़ा हाथ होता ही है, परिवार वाले जब अप्रिशिएट करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद जाग जाती है। तो हमने देखा है कि हमारे भारत की एक पद्धति है कि भारत में कलाकार लाइन में जब कोई व्यक्ति जाता है उसे पाँव भर के पीछे खींचा जाता है, किसी फ्यूचर नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, बट जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है ना तब उसे महसूस होता है कि नहीं ये चीज, फिर घर वाले ही बोलते हैं कि भाई आप सही से बिल्कुल, इतनी बात है। मैं तो सबसे यही चाहूँगा कि कलाकार की कोई भी फील्ड गलत नहीं होती है, आप उसे अच्छे तरीके से अपनाइए और उसे अपना जीवन आधार बनाइए तो वाकई आपको सफलता मिलेगी। क्या बात है सर, हमारे देश में भी काफी कमाल के भजन गायक हुए हैं और बड़े बड़े मेन लीड सिंगर्स भजन गाते हैं, जैसे हरिहरन साहब या फिर हम अनूप जलोटा जी ले लें। और आप अपनी लाइफ में जब आप ये सब शुरू कर रहे थे सर, किसी को सुन के बड़े इंस्पायर होते थे कि यार ये बड़े अच्छे गाते हैं और इनकी तरह ही कुछ भजन मुझे भी गाने हैं, या ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल, आदरणीय राघव रविंद्र जी साहब, आप सभी ने इनका नाम सुना है जी, तो उन्हें मैंने सुना, हमारी जैन समाज के कोहिनूर हैं वो, आज भी हम उन्हीं के लिखे टुकड़े गाते हैं, उन्हीं की लिखी बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और हमारे जैन समाज के एक गायक के आदरणीय रुपेश जैन, उन्हें मैंने खूब सुना और सबको सुनते सुनते गाते गया और आज कई बार ऐसे हो तो उनके साथ भी मुझे गाने का मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है सर। तो ऐसा ही एक और आपसे मैं विनती करूंगी कि आप कोई भजन हमें सुना सके वापस। आदरणीय रविंद्र जी का एक कंपोजिशन है, उसको मैं नया गीत अभी लॉन्च करूंगा,
वो आपको दो लाइनें सुना पाऊंगी जी। कर्म किए जिसने जैसा हो, कर्म किए जिसने जैसा वैसा ही वो फल पाएगा। राम नाम जपने वाला ही महामारी से बच पाएगा, राम नाम जपने वाला ही महामारी से बच पाएगा। अंत समय में धर्म ही केवल तेरे काम ये आएगा, अंत समय में धर्म ही केवल तेरे काम ये आएगा। राम नाम जपने वाला ही महामारी से बच पाएगा, राम नाम जपने वाला ही महामारी से बच पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है सर। यहाँ पे ये आपने ही लिखा है सर, ये आपके द्वारा लिखा गया है? ये मैंने परसों ही लिखा है और इसको मैं खुद ही म्यूजिक भी बना रहा हूँ। सर ये तो भजन ऑफ द मिलेनियम हो जाएगा, क्योंकि अब जिस तरह से समय चल रहा है उस समय को आप इस भजन में पूरा का पूरा आपने उतार दिया है कि महामारी से तो तभी बच पाएगा जब तू अध्यात्म से जुड़ेगा, धर्म से जुड़ेगा, राम नाम का नाम लेगा। सर बहुत बहुत ही कमाल का लिखा है आपने, जितना अच्छा कंपोज किया है उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा आपने इसको लिखा भी बहुत कमाल का है। सो बहुत बधाइयां आपको इसके लिए। कंपोजिशन आदरणीय रवीन जी साहब की है। अच्छा, दादू की कंपोजिशन हम सोचते हैं छोटा मोटा गाने का प्रयास करते हैं जी, कंपोजिशन में हम गा भी नहीं है क्या, मुझे कंपोजिशन भी गा लें, बस फिर भी कोशिश करते हैं। सर आप कोशिश भी बहुत अच्छी करते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी तो कोशिश भी कमाल की होती है। सर ये जो इतने सारे भजन आपने लिखे हैं, गाए हैं, इन सब में कोई ऐसा भजन है जब आप गाते हो वो स्टेज पे या कहीं पे भी, तो एक समा ही अलग हो जाता है, लोग बिल्कुल खो से जाते हैं और वो भजन आपको हमेशा लोग आपका बड़ा याद रखते हैं कि अच्छा मयूर जी ने ये गाया था। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर भजन है जो आपकी आपका एक कह दीजिए आपका ट्रेडमार्क भजन हो? सर हमारे सबसे बड़े जैन धर्म के संत हैं आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज जी, उनसे मैंने एक गीत सिखाया और आपको फिर से बताऊं कि इस मयूर को अगर नाम मिला है तो वो भजन ही वो माध्यम है जी। वो गीत मैंने जहाँ भी गाया, जहाँ भी सुनाया, उस काम ही यादगार हो गई। इस दो लाइन आपको सुनाता हूँ मैं जी। बिल्कुल। गुरुवर विद्यासागर की, गुरुवर विद्यासागर की, देखो बड़ी कठिन है चर्या, गुरुवर विद्यासागर की, देखो बड़ी कठिन है चर्या। गुरु दिन रात ही ध्यान लगाए, तीन लोक के नाथ को ध्याए, गुरु दिन रात ही ध्यान लगाए, तीन लोक के नाथ को ध्याए। हम सबके छोटे बाबा की, देखो बड़ी कठिन है चर्या, गुरुवर विद्यासागर की, देखो बड़ी कठिन है चर्या। बिना ये नमक का भोजन करते, फल हरी सब्जी ग्रहण न करते। ये गुरु जी की हकीकत है कि गुरुदेव ने कम से कम 30 से 35 साल हो गए उन्हें नमक का त्याग करके रखा है, वो फल हरी सब्जी ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत सात्विक भोजन करते हैं और आपको पता है कि 24 घंटे में एक बार करते हैं। ये लाइन जब कहीं गाता हूँ ना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खूब ताइयों का आशीर्वाद मिलता है। बिना ये नमक का भोजन करते, फल हरी सब्जी ग्रहण न करते। चाह नहीं है पसवानों की, देखो बड़ी कठिन है चर्या, गुरुवर विद्यासागर की, देखो बड़ी कठिन है चर्या।
क्या बात है, क्या बात है मयूर जी, आपके वाणी पे साक्षात सरस्वती विराजमान है और बहुत ही जब आप गाते हैं तो आप जैसे बता रहे हैं कि भजन में तो अपने आप में इतनी शक्ति होती है कि इंसान अपने वास्तविकता को भूल के उस समय में खो जाता है, पर उस पे अगर आपकी आवाज हो और आपके जैसा फनकार हो और आपके जैसा भजन गायक हो तो फिर ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और आपने बहुत कमाल का गाया सर। आपका कोई ऐसा फेवरेट भजन है सर जो आप अपने लिए गाना पसंद करते हैं, यानी कि जब मयूर जी अभी कभी डल फेज में हो या फिर बहुत दिन होते हैं जब हम बहुत खुश नहीं होते या कई बार अंतर मन में बहुत विचलित जो है थॉट्स आते हैं, तो मयूर जी खुद को ये गाना ये भजन सुनाते हैं या खुद के लिए ये गाते हैं, ऐसा कोई भजन है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे भजन हैं, बस फिर भी अभी एक दल से दिखाओ प्रभु करके बहुत फेमस हुआ मेरा गायन, इस टाइम से बहुत चल रहा है जी, उसकी दो लाइन आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मयूर जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों ने क्या किया, मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो महामारी फैल रही है मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है, तो वो आपको एक बात बताता हूँ। ना जाने क्या पाप किए जो प्रभु से दूर हैं हम, पूजा भक्ति जागरण दर्शन को भी तरसे नयन, ऐसे दिन जीवन में प्रभु वर कभी ना आए, दर्शना हो अगर तेरे तो जान ये चल जाए, के दर्श दिखाओ प्रभु के द्वारे बुलाओ प्रभु, के दर्श दिखाओ प्रभु के द्वारे बुलाओ प्रभु। क्या बात है, क्या बात है मयूर जी, आपने जीवन की सत्यता कह दी है कि इंसान ने प्रकृति और धर्म के साथ इतना खिलवाड़ किया कि अब ये महामारी के स्वरूप में हमें जो ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके द्वार नहीं जा पा रहे हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे ये सब सही होगा, पर जीवन की सीख तो हमें मिल ही रही है जो हम जो अब देख रहे हैं। पर मयूर जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सहज हैं, तो ये जो आपकी पर्सनालिटी है आपका व्यक्तित्व है इसमें जो ये सहजता आती है कि थोड़ी धैर्य था थोड़ी सी सहजता, ये क्या एक भजन गायक होने के कारण आती है या संगीत से जुड़ने के कारण आती है, क्या एक रीजन होता है इसका? जब आप संगीत को समझना शुरू करते हैं ना तो मतलब आप एक अपना में संत हो जाते हैं। मेरे गुरु कहते हैं कि आप मयूर आप संत हो, क्योंकि एक जीवन अलग हो जाता है, क्योंकि एक भजन गायक मैं तो एक सिंगर का भी जीवन बहुत अलग समझता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है संगीत। आज हम पेपरों में पढ़ रहे हैं, आप सभी के माध्यम से हम संगीत पर भी सुनते हैं कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो अच्छे से जो मरीज थे उनको भी ठीक कर दिया। हम हॉस्पिटल से वीडियो आते हैं कि संगीत पर लोग नाच रहे हैं, तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जो आप में सहजता और सरलता ला देते हैं। तो मैं संगीत को ये सारा श्रेय देना चाहूँगा, मैं तो क्या हूँ जो है मुझे संगीत ही है, क्योंकि कलाकारों का तो क्या है जब तक गला है तो हमें लोग भैया बोलेंगे और जब नहीं होगा तो लोग पूछते भी नहीं है। बड़ा कलाकार भी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव भी होते हैं जी, वो भी होता है, बट सब साफ सही कहा आपने। मयूर जी जो नए अभी बच्चे आपको देख रहे हैं और कई ऐसे होंगे जो संगीत के साथ साथ भजन गायकी में अपना हुनर दिखाना चाहेंगे या उसे प्रोफेशनली लेना चाहेंगे, उन बच्चों को आप कैसे संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत करें और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े? मैं तो इतनी सी बात कहना चाहूंगा, छोटी शब्दों में बड़ी बात की, भजन कभी भी पैसों के लिए मत गाना। अगर आप पैसों के पीछे भागेंगे ना तो भजन आपको भगवान आपको छोड़ देगा, आप भगवान की भक्ति के पीछे भागना पैसा आपके पीछे चले चले आएगा। क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं मैम कि जब मैं शुरुआत में कुछ भी नहीं था ना तो मैं सोचता था कि कैसे, क्योंकि शुरुआत जब होती है तो बड़ी तकलीफ का फेस करना होता है, तो मैंने जब शुरुआत करी तो मुझे देखना होता था कि यार क्या हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, कैसे आगे बढ़ूंगा, आ तो गया हूँ इस प्रोफेशन में। बट धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, अब पैसा नहीं कमाना, केवल भगवान की भक्ति करना है। तो फिर
अच्छे से पैसे वाले भी आज बताते हैं मयूर भैया एक 10 मिनट के लिए आप घर आ जाइए, 10 मिनट के लिए हमारे फंक्शन में आ जाइए। तो पैसे के पीछे भागना, भगवान की भक्ति के पीछे भागो, ऐसा आपके पीछे भागा चला आएगा। ये निवेदन है मेरे छोटे भाई और बहनों से। क्या बढ़िया बात बोली आपने, पैसे के पीछे भागोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, भक्ति करो, भजन गाओ, अपने आप शोहरत और नाम तो ऐसे ही हो जाना है। क्या बात है। जाते जाते मयूर जी मन थोड़ा सा वापस लोभित हो चुका है, कुछ और आखिरी में सुना दीजिए कि हम वापस मंत्र मुग्ध हो जाए। आप एक का बोले बस मैं दो सुनाऊंगा जी, एक मैंने तो गा दिया है वो वाला सुनाऊंगा, आगे गाऊंगा वो वाला सुनाऊंगा जी। तो सुनिए सुनिएगा ये अभी के हालत को देखकर जी। होट है खामोश लेकिन मन ये रो रहा, आँख रहती बंद मगर ये दिल ना सो रहा, कब तक अपनों से बिछड़ने के संदेश आएंगे, ना जाने कब सब ये किससे खत्म हो पाएंगे, माफ करो प्रभु अब ये दिल घबराता है, इससे ज्यादा और सहा नहीं जाता है, माफ करो प्रभु अब ये दिल घबराता है, इससे ज्यादा और सहा नहीं जाता है, हर एक उम्मीद खत्म होती जा रही, हर एक उम्मीद खत्म होती जा रही, इससे ज्यादा और सहा नहीं जाता है, माफ करो प्रभु अब ये दिल घबराता है, इससे ज्यादा और सहा नहीं जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल आपने तो दिल की बात बोली जी। अभी लॉन्च किया है क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर देखता हूँ ना तो वाकई रोना आ जाता है, और रो भी नहीं पाते और हंस भी नहीं पाते, दोनों चीजें सामने होती हैं। सही। आपने देखा कि आदमी एडमिट होता है और अगले दिन की खबर आ जाती है कि भैया ये नहीं रहे, तो बड़ा दुख होता है, और इस लॉकडाउन में बड़े अपनों को भी खोया है। तो ये मैंने जब लिखे, मैंने आपको बोला कि जब लिखते हैं तो अपने आप को उतारना पड़ता है। तो 3 दिन पहले हमारे आदरणीय समाज के बड़े वरिष्ठ व्यक्ति जब आदरणीय प्रदीप गोयल जी, उनके निधन की जब खबर आई ना तो मैंने उनके निधन की खबर थोड़ी भी पढ़ी तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो जब मैंने गीत की रचना की थी जी। क्या बात है, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला था मयूर जी कि अब तो और सहा नहीं जाता, ये सही बात है और यही आप कह दीजिए वास्तविकता है अभी जो चल रही है। पर मयूर जी आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप एक भजन गायक तो हैं ही पर एक आप संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी भी हैं, और आपने जैसे एक बहुत बड़ी बात कही कि कभी भी पैसे के लिए मत अपनी कला को आप कहीं भी उसकी नुमाइश करो, और स्पेशली भजन जब गा रहे हो तो आप अपने मन से अंतर मन से भगवान की भक्ति के भजन करो, तो धीरे धीरे जो आपका नाम भी रोशन होगा और धीरे धीरे आपके पास यश और कीर्ति ये सब आती जाएगी। थैंक यू सो मच मयूर जी हमें ज्वाइन करने के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ इतना अच्छा ये सेशन किया। थैंक यू सो मच।